दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसके बाद आपको भी पता होगा बारिश का मौसम आएगा, और ऐसे में हर बार जब भी बारिश का मौसम आता है तो खास करके गांव के लोगों में और किसान भाई लोगों में ये टेंशन रहती है कि इस बार मानसून कैसा रहेगा, मतलब इस बार बारिश के मौसम में अच्छी बारिश होगी या नहीं। तो इस पर मौसम विभाग की तरफ से एक पहला पूर्वानुमान जारी किया गया है कि साल 2022 में मानसून जो है वो खुशियों भरा रहेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में औसत से ज्यादा बादल बरसेंगे। गांव में मानसून को जिसे कहते हैं ना अपन साधारण भाषा में संवत, इस बार संवत कैसा रहेगा, मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो अभी आपको पता होगा विक्रम संवत चल रहा है, चैत्र महीना 2079 विक्रम संवत का चल रहा है, राइट। और अंग्रेजी महीने के हिसाब से अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के बाद मई और फिर जून से ही मानसून की शुरुआत हो जाती है। जुलाई में तो लगभग देश भर में मानसून आ ही जाता, पहुंच ही जाता है। तो हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो चैत्र के बाद चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ तक में एनी हाउ मानसून जो है लगभग सभी जगहों पर पहुंच जाता है। ज्यादातर जगहों पर तो ज्येष्ठ में ही पहुंच जाता है, राइट। तो बात यह है कि इस बार मानसून का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला, मतलब बारिश कहां कहां कैसी होगी, कितनी क्या बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि आपको पता होगा अगर बारिश अच्छी होती है तो मार्केट उठाव पर रहता है, किसानों में भी खुशी का माहौल रहता है, गेहूं, मक्का, धन, धान वगैरह सभी का प्रोडक्शन अच्छा होता है अगर बारिश अच्छी होती है, नदी नालों में, तालाब में पानी हो जाता है तो, राइट। लेकिन वहीं अगर अकाल पड़ जाए ना तो चारों तरफ सूखा सूखा हो जाता है। इसके कारण ना सिर्फ खेती बाड़ी से नुकसान होता है, ना सिर्फ किसान भाई लोगों को गांव में नुकसान होता है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार, बाजार वगैरह में वोट उठाव देखने को नहीं मिलता अगर बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है तो, क्योंकि अकाल की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं आते हैं तो वो शॉपिंग वगैरह भी नहीं करते, खरीदारी भी नहीं करते हैं, आगे उनकी कुछ प्लानिंग्स हैं तो उनको भी रोक देते हैं, तो इस वजह से बाजार में भी रुकावट पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब एटलीस्ट यही है कि मानसून मौसम जब अच्छा रहता है ना तभी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी बात होती है। अब ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मानसून पर जो पहला अनुमान आया, मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस साल अच्छी बारिश होगी। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है कि बारिश के सीजन का पहला भाग बाद वाले से बेहतर रहेगा। मौसम एजेंसी के पूर्वानुमान के मुताबिक जून के साथ ही शुरुआती महीने में मानसून की बेहतर शुरुआत हो सकती है। जून से ही मानसून की अच्छी शुरुआत हो जाएगी और इस बार मानसून किसानों के चेहरे पर खुशी लाने वाला होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है और बरसात के 4 महीनों के दौरान 98% तक पानी गिरेगा। वैसे तो मानसून के महीनों में पूरे देश में औसत 880.6 मिलीलीटर बारिश होती है, जिसे 100% बारिश माना जाता है। चार अलग अलग महीनों के हिसाब से मानसून का अपडेट मैं आपको बता दूं। जून में 70% सामान्य बारिश का अनुमान है, 20% अत्यधिक बारिश का अनुमान, 10% कम बारिश का अनुमान है, यानी कि सबसे ज्यादा अनुमान 70% सामान्य बारिश को लेकर है, जो एक अच्छी बात है। जुलाई के महीने में 65% सामान्य बारिश रहेगी, 20% अत्यधिक बारिश का अनुमान है और 15% कम बारिश का अनुमान है। इसी तरह से अगस्त के महीने में 60% सामान्य बारिश का अनुमान है, 10% अत्यधिक यानी कि ज्यादा बारिश हो सकती है, 30% कम बारिश का अनुमान है। यानी मौसम विभाग की तरफ से देखा जाए दोस्तों तो जो शुरुआती महीने होंगे उनमें तो बारिश का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन जो लास्ट के महीने होंगे ना अगस्त सितंबर, वहां पर बारिश की बहुत कमी रह सकती है। सितंबर के महीने में 90% बारिश बराबर हो सकती है, ऐसा अनुमान है। 20% सामान्य रूप से बारिश हो सकती है, 10% अत्यधिक और 70% कम बारिश का अनुमान है। सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा सूखा पड़ सका, तो किसान भाई लोग जो इस बार जल्दी फसल बो देंगे ना वो अच्छे फायदे में रहेंगे। इस अनुमान के मुताबिक इस साल मानसून किसानों और खेती बाड़ी से जुड़े लोगों के लिए काफी शानदार रह सकता है। इसका कारण ये कि शुरुआती दौर में मानसून के अच्छे होने का अनुमान है और बुआई के दौरान बारिश होने से किसान भाई लोगों के लिए ये काफी अच्छा समय रहेगा। स्काईमेट के मुताबिक हर साल मानसून के आने और जाने में काफी उतार चढ़ाव होता है। तो कुल मिलाकर के 4 महीने का मेन सीजन रहेगा बारिश का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। तो इसमें शुरुआती महीनों में अच्छी बारिश का अनुमान है। बाकी दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।